फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था सेट्स का, अभी हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने कल वाला लेक्चर रिवाइज होता है, देन हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये कुछ सेट्स दिए गए, किस फॉर्म में दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, किस फॉर्म में दिए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, इनको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो पहला सेट देखो क्या है, ए, इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो बस हमें इसको क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट्स को पुट करना है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 12 आ जाएगा इसका एलिमेंट होगा, 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 इवन नेचुरल होगा, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, इसी तरीके से 4 नहीं आएगा, 4 एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमें ऑड नेचुरल नंबर डालने हैं, विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का वो सेट करना है, ठीक है। तो 1 आ गया, 3 आ गया, और 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी, ये नहीं बताया गया कि कहाँ पर हमें खत्म करना है, कहाँ तक और नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, डैश डैश लिख देंगे, क्योंकि और नेचुरल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, हम सारे ही नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सेट क्लोज कर देंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, इसको हमने किसमें लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, बी नंबर क्या बोल रहा है, बी में जो एलिमेंट्स है, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर, इंटर इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, फ्रैक्शन नहीं होती है, फ्रैक्शंस नहीं होती है, पूर्णांक होनी चाहिए, तो इंटीजर हो गया। और ये भी हमें एक्स, एक्स क्या दिया गया है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब -1/2 से बड़ी संख्या क्या होगी, जो कि इंटीजर हो, जीरो, जीरो होगी, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, देन क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 भी क्या है, पूर्णांक है, और -1/2 से बड़ा है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या 5 आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 9/2 कितना होता है, 4.5, और हमको क्या बोला गया है कि जो x है वो 9/2 से छोटा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए, तो उससे छोटा क्या हो गया, 4, और पूर्णांक भी होना चाहिए, तो पहली बात यह है कि लगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर बोला गया है, तो इंटीजर क्या होगा, 4 ही होगा, तो ये 4 पे ये सेट खत्म हो जाएगा, क्लियर। एलिमेंट्स बताए थे हमने, जितनी भी जो भी चीजें सेट के अंदर लिखी रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो इस सेट में ये सेट कैसा है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड सेट की कैटेगराइज किया था सेट, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फाइनाइट, अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट, तो ये इनको एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये इनपुट्स हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये एलिमेंट्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये नेक्स्ट वाला सेट देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 5, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट। एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइजेस में इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको सेट्स को कैटेगराइज करना है, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है। सी नंबर देखो, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर सी नंबर होती है ना, और उसका जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए।
एल देखिए, तो पहले क्या आएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर से एल, तो क्या फिर से हम एल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते। अगर एक बार हम एलिमेंट लिख सक लिख चुके हैं तो उसको हम चाहे जितनी बार यूज करें फिर उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है? ये आ गया। और हमने एक चीज बताई थी सच में कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम ए को पहले लिख सकते हैं, वाई को पहले लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिखे, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। इसका क्या मतलब होता है? ये देखो क्या लिखा है, सेट्स समुच्चय, ये क्या लिखा है, सबसेट या उपसमुच्चय। नाम से ही पता चल रहा होगा एक सेट का भाग, एक सेट का छोटा सा पार्ट या छोटा सा भाग, ठीक है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। कैसे? देखो एक कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स, इसके हमको क्या लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं। ये कोई समुच्चय सेट है, इस सेट का लिखते हैं उप समुच्चय लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा उप समुच्चय सबसेट क्या होता है, इसके छोटे पार्ट, ठीक है? इस सेट के छोटे छोटे पार्ट। जैसे मान लो हमने कोई एक सेट ले लिया, इस सेट का क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट ए, तो ये क्या इसका सबसेट है? हाँ है, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स कंटेन करता है जो ए के अंदर आते हैं। इस सेट में वो एलिमेंट है जो ए में आता है, तो हम बोलेंगे बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का, ए का। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे। ये साइन होता है किसका, सबसेट। ये क्या डिनोट करता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी उप समुच्चय है, ए समुच्चय का उप समुच्चय है, ठीक है? ये समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग सबसेट डिनोट करते हैं। तो देखो एक सबसेट नहीं होगा, बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, ए सेट के बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। पहले समझ लो फिर नोट करते हैं। ए सेट के बहुत सारे समुच्चय बन सकते हैं। एक बार हमने ए ले लिया, चलो दूसरी बार हम जा रहे हैं, ठीक है? तीसरी बार क्या करेंगे? ये भी एक क्या है, सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, इसके अंदर भी वो एलिमेंट है जो ए के अंदर आता है, ठीक है? इसमें तो कुछ ज्यादा एलिमेंट है और इसमें वो एलिमेंट है जो ए के अंदर आता है, ठीक है? अब देखो दूसरा कोई हमने ले लिया, हम सी ले सकते हैं, ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक और सबसेट ले लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, अभी भी ये क्या है, इसका सबसेट उप समुच्चय है। कैसे? इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अव्यव है वो ए के अंदर आते हैं, ठीक है? अब देखो ई हो गया, अब देखो हम लोग एक बार क्या करते हैं, बी और सी ले लेते हैं, बी और सी, ये भी क्या है, इसका उप समुच्चय है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, जी ले लेते हैं, जी को सबसेट है सी और ए, इसके अंदर हमने डाल दिया सी और ए, ये भी उप समुच्चय है इसका, ए का। अभी इसके दो और बन जाएंगे, कैसे? चलो एक तो ये बन जाएगा एच वाला, देखो सबसे तीनों हम ले रहे हैं, तीनों एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये भी इसका एक सबसेट है। सारे एलिमेंट्स हैं इसके, दोनों के सेम है सारे एलिमेंट्स, बट ये इसका सबसेट है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस वाले को इस तरीके से, सबसेट का साइन और इक्वल का साइन दोनों साथ में लगा कि एक तो ये इसका सबसेट है, ऊपर से सारे एलिमेंट्स इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, क्लियर? एक और सबसेट है, अब तो सारे एलिमेंट्स हो गए, ये कौन सा सबसेट आ गया, ये सबसेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट लिख दो, सबसे पहले उसका सबसेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है?
तो ये इतने सारे हमने क्या किए, सबसे लिख लिए। ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3। ये सारे उसके क्या है? सबसेट्स हैं, ठीक है। चलो 3, 3 ही एलिमेंट्स थे तो हमने सारे सबसेट लिख लिए। मान लो 3 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, 5 है, सबके लिखने जाएंगे? 10 एलिमेंट्स हैं, सबके लिखने जाएंगे? कैसे करेंगे? तो इसको अब सारे वो तो सबसेट्स तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने सबसेट बनेंगे। कैसे काउंट करेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको देखो। यहाँ पर काउंट करो, पहले हमने कितने सबसेट बनाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 सबसेट बनाए हैं। अभी इसको अगर हम ये सारे ना लिखते फिर भी हम बता सकते थे कि इसके कितने सबसेट बने। कैसे बताते हैं वो देखो। तो सबसेट कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया? तो मान लो अगर हमने 2 एलिमेंट्स लिए, अगर हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो इसके सबसेट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मान लो एक हमने ले लिया x1 सेट है, जिसका एक तो 5 आ जाएगा, एक एमटी सेट आ जाएगा, सबसे पहला सबसेट। देन x2 दूसरा कोई सेट ले लिया, उसके अंदर a आ जाएगा, फिर x3 ले लिया, फिर क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। एक हम सेट ले लेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए भी, ये भी क्या होगा? सबसेट होगा। ये चारों क्या है? इस सेट के सबसेट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो कितने सबसेट बने? 4। और पहले वाला जो सेट किया था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 3। तो कितने सबसेट बने थे? 1। Bye.
ओपन इंटरवल और देखो ए इक्वल टू नहीं लग रहा है, मतलब कि ए ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच का लिखना है, इनके बीच का लिखना है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। जब जो कॉर्नर वाली वो होती है वैल्यू वो इंक्लूडेड ना हो तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। जब इनको नहीं लिखना y a के बराबर नहीं हो सकता, y b के बराबर नहीं हो सकता, मतलब कि y को मान एक नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, तब ये कैसा है? ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये संख्याएं आएंगी, तो ये तो अभी हमने क्या लिया, इंटीजर सेट लिया, तो इंटीजर सेट में हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं। हाँ, मैं लिख दी, रियल नंबर लेंगे तो बहुत सारी आ जाएगी, रियल नंबर लेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में आ जाएंगी, जो कि हम सारी नहीं लिख सकते हैं, तो हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं ये डिनोट करने के लिए कि जो y की वैल्यूज है वो इन दोनों के बीच में। क्लियर? अब देखो जब ऐसा होगा तो ओपन इंटरवल होगा। अगर मान लो y की वैल्यूज इस तरीके की है, अब हमने क्या किया, y की वैल्यू में a इंक्लूड कर लिया और b भी इंक्लूड कर लिया। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? ब्रैकेट में डिफरेंस दिख रहा है, ये पैरेंथेसिस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि a और b भी इंक्लूडेड है। जब हम y की वैल्यू लिखेंगे उसमें a और b भी आएंगे, क्योंकि बीच की वैल्यू तो आएंगी ही आएंगी और a और b भी आएंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इक्वल टू लगा है ना, मतलब y की वैल्यू a भी हो सकती है और y की वैल्यू b भी हो सकती है। इसको लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओपन इंटरवल में हम लोग ये जो डॉट ये सर्कल्स हैं इनको ओपन रख, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट किया, ये क्या है ओपन इंटरवल, ये क्या है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ए और बी नहीं लिया कॉर्नर वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती है, इसमें इंक्लूडेड होती है। अब इसके भी दो टाइप्स क्या है, हो सकता है कि ए इंक्लूड है बी नहीं है, हो सकता है कि बी इंक्लूड है ए नहीं इंक्लूडेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर ए इंक्लूडेड है तो ए की तरफ क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और बी की तरफ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो y की वैल्यूज है उसमें a तो आ रहा है बट b नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? b में क्लोज कर देंगे और a में क्लोज कर देंगे और b में ओपन कर देंगे। ये लूप होगा आगे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। अगर मान लो कि ऐसा कुछ है कि a इंक्लूडेड नहीं है b इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, ए की तरफ ओपन रखेंगे और बी की तरफ क्लोज। इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, ए को ओपन रखेंगे और बी को क्लोज करेंगे। ये इंटरवल, ये समझ में आ गया कि ये साइन का मीनिंग क्या होगा, ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि जब हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगा। रेंज मतलब कि परिसर, जैसे कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम सारी वैल्यूज लिखने तो जाएंगे नहीं, उसको डिनोट करने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो इन ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं।